subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हमारा वो है सरफेस टेंशन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस टेंशन। ये फिजिक्स का चैप्टर है, बता देना जरूरी समझे हैं, ठीक है। इसकी कुछ बेसिक है जिस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। पहले बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है लिक्विड और गैस जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सब जानते हैं कि बिना लिक्विड और बिना गैस के तो हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। जैसे कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत बड़े मात्रे में एयर प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है ना। तो हमारे जितना भी आसपास जो दिख रहा है एयर, वो सब तो गैस ही, एयर तो दिखता नहीं है, वो सब गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो हमारा अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो हमारा सरफेस है वो पूरा कवर्ड है वाटर से 75% तक। अप्रॉक्स 75% जो हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है वो पानी से कवर्ड है। समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वाटर, वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं लिक्विड और गैस को, दोनों को एक साथ कहीं भी अगर फ्लूइड देखिएगा, फ्लूइड बोलते हैं, अगर कहीं फ्लूइड लिखा होगा इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो लिक्विड और गैस दोनों के बारे में बता रहा है, ठीक है। ठीक, अब हम लोग फ्लूइड पे देखते हैं। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड का बेसिक थोड़ा देखते हैं। फ्लूइड सब्सटेंस है, समझ रहे हैं। डेट्स फ्लो, वो कब फ्लो, जब फ्लो करता है अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो फ्लो करता है। कोई भी फ्लूइड बिना फोर्स लगे फ्लो नहीं करता। और जो फ्लूइड है हमारा उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, उसका अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता। अगर वाटर को जिस कंटेनर में डाल दीजिएगा उस कंटेनर को वो अपना वॉल्यूम बना लेता है, वो अपना शेप बना लेता है, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स होता है पर उसका जो लिक्विड, लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन गैस का वॉल्यूम ही फिक्स नहीं होता। और हम लोग जो फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं उसको हाइड्रोस्टेटिक बोलते हैं, और जो फ्लूइड में मोशन है उसका हम लोग स्टडी करते हैं उसको हाइड्रो डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। जो सिंपली फ्लूइड है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हाइड्रोस्टेटिक, और जो फ्लूइड मोशन में है उसके बारे में हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं तो उसको हाइड्रोस्टेटिक बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के बारे में ही पढ़ना है, ओनली फॉर वन लिक्विड, इस पर ध्यान देंगे कि हम लोग को सिर्फ लिक्विड के बारे में पढ़ना है, आगे हम लोग उसी के बारे में डील करेंगे। तो लिक्विड बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है कि नहीं। अब उस मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगाता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। स्टार्टिंग हम लोग बेसिक से करेंगे तो वही बेसिक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है ना कि या तो वो सेम काइंड का दो ठो मॉलिक्यूल हो या फिर डिफरेंट टाइप का दो ठो मॉलिक्यूल हो, सेम के साथ करेगा या डिफरेंट के साथ करेगा। इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है उसको भी दो टाइप में बांटे हैं, कोहेसिव एडहेसिव। अब हम लोग कोहेसिव के बारे में और एडहेसिव के बारे में एक एक करके देखेंगे सारे इसके प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कोहेसिव फोर्स के बारे में। कोहेसिव फोर्स क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के बारे में इसका क्या प्रॉपर्टी है तीनों में, ये भी देखेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस और सेम काइंड। ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम सब्सटेंस का और सेम काइंड का हो, मतलब सेम हो और दोनों का प्रकार भी सेम हो, ठीक है, उसी को हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अगर सॉलिड में कोहेसिव फोर्स, अगर हम सॉलिड में देखें
तो बहुत ही ज़्यादा होता है कोहेसिव फोर्स, बहुत ही ज़्यादा होता है सॉलिड में। इसका सॉलिड का डिफिनिट शेप भी होता है और साइज भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में फोर्स, कोहेसिव फोर्स होता है पर सॉलिड से कम होता है, वीकर देन सॉलिड। और इसका ना कोई शेप फिक्स नहीं होता, लिक्विड का जो शेप होता है फिक्स नहीं होता है। जैसे हम जिस कंटेनर में डाल दो उस कंटेनर में आ जाता है, आपको हम पहले ही बता दिए कि मान के चलिए कोई ग्लास है, सिलेंड्रिकल ग्लास है, उसमें अगर हम वाटर को डालते हैं तो उसमें तो इजीली एडजस्ट कर लेगी, अपना शेप ले लेगी। सेम उसी वाटर को अगर हम किसी कंटेनर में, बकेट में डालें जो हेमी स्फीयर है, तो हेमी स्फीयर का भी शेप ले लेती है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स होता है, एक गिलास पानी कहीं भी डालिएगा एक गिलास ही रहेगा, एक गिलास से ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए उसका वॉल्यूम फिक्स ही रहता है। अब बात करते हैं गैस में, गैस में जो फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स, वो निग्लिजिबल होता है, बहुत ही न के बराबर होता है। अब सही बात है, न के बराबर ही का कि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में। ना इसका कोई फिक्स शेप होता है ना कोई इसका वॉल्यूम होता है, इसका ना वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, शेप तो शेप, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। देखिए अगर आप एक डीओ लीजिए और उसको अपने रूम में स्प्रे करिए, ठीक है, उस पूरा रूम में वो फैल जाएगा। और एक छोटा सा कंटेनर के अंदर उसको स्प्रे कीजिए तो कंटेनर के अंदर ही रह जाएगा, अगर उसका ढक्कन बंद है तो कंटेनर के अंदर ही रह जाएगा, कोई कंटेनर है उसके अंदर ही रह जाएगा। अगर वही रूम में स्प्रे कर दिए हम तो पूरा रूम में आता है, इससे क्या पता चलता है कि उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। कंटेनर में भी वो एडजस्ट कर लेता है, रूम में भी एडजस्ट कर लेता है, इसलिए उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं उसका एक, जैसे हम लोग मरकरी जो है, मरकरी जो हम थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर जो शीशा वाला आता है उसके अंदर मरकरी होता है, उस मरकरी को आप चाहिएगा तो सबसे जो छोटा उसका ड्रॉप है, मरकरी का जो ड्रॉप है उसको चाहिएगा आप ब्रेक कर दे, तोड़ दे, तो बहुत ही डिफिकल्ट है कि उसको हम ब्रेक करें, क्योंकि उसके अंदर का जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसी वजह से हम मरकरी को, छोटे जो पार्टिकल होते हैं उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा कोहेसिव फोर्स हो गया। अब सेकेंड जो है हम लोग उस पर बात करते हैं नाउ, अब हम लोग देखते हैं एडहेसिव फोर्स, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ही है, ठीक है। इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही चेक करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में चेक करेंगे, पर वो क्या है, डिफरेंट मॉलिक सब्सटेंस के, मतलब ये फिक्स नहीं कि एक ही का, अलग अलग सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जानते हैं, उसी को हम लोग एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। देखिए इसका और एक डिफिनेशन है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। इन इंटर मॉलिकुलर फोर्स बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स, कोई भी इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो है किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब टू एनी, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स, कोई भी दो डिफरेंट सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस भी फिक्स, एक ही तरह का सब्सटेंस ये कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग सब्सटेंस हो तभी हम उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हुआ हमारा, ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखते हैं तो क्या होता है, उसमें चिप लिखते हैं तो लिखाया हुआ जो रहता है ना वो रह जाता है, लिखाया हुआ किस लिए रह जाता है, क्योंकि जो बोर्ड है उसके और जो चॉक है उसके बीच में जो जो लिखते हैं तो क्या होता है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स के कारण वो चिपक जाता है, ठीक है। जैसे हम इसी पे पेज पे, इस पेपर पे हम लोग इंक से लिखे हैं तो काहे के लिए ऐसा नहीं हो रहा कि इनकी यहाँ लिखे थे पसर के यहाँ 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 कहीं फैल जाए, नहीं फैल रहा है, क्यों नहीं फैल रहा, क्योंकि इसमें इंटर मॉलिकुलर फोर्स लगा हुआ है, दो सब्सटेंस के बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स लगा है। आप बोलिएगा इसको कोहेसिव भी बोल सकते हैं, बिल्कुल फोर्स है लेकिन कोहेसिव आप बोलिए बोल सकते नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी इंटर मॉलिकुलर फोर्स को भी हम लोग दो पार्टों में बांटे, एक सेम सब्सटेंस में एक डिफरेंट सब्सटेंस में, पेपर और इंक तो अलग अलग हो गया ना, तो इसी कारण से इसको नहीं बोल सकते, इसको हम एडहेसिव का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अब जैसे वाटर ड्रॉपलेट जो होता है, वाटर जो होता है, वाटर वेट्स, आप देखिएगा कभी भी मिरर जो होता है हमारा, जैसे कारूड का मिरर पर अगर देखिएगा ड्रॉप गिर गया होता है पानी का तो वो चिपका रहता है, और दो मिरर को या ग्लास को ऐसे कस के चिपका दे तो हटता नहीं जल्दी, क्योंकि उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा हुआ होता है।
तो 2 HW आपको हम देते हैं आज, ठीक है। इसके बारे में स्टडी कीजिए, इसके बारे में भी हम बता दिए कि क्या होता है, मरकरी के बारे में भी बता दिए क्या होता है, ठीक है। अब इस दोनों को हमको बताइए, ठीक है। वीडियो पॉज करके नहीं, अब घर से करके आइएगा, और जो हमारा नहीं सेकेंड वीडियो है वह जल्दी आ रहा है।